हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास सिक्स के फर्स्ट चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज 1.2, जिसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। सो ये लास्ट के क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोइंग आर नंबर्स, क्लास सिक्स एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 9। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। एक शर्ट स्टिच करने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का क्लोथ लगता है। हमारे पास टोटल 40 मीटर क्लोथ है। अब हमें ये बताना है कि उसमें से कितनी शर्ट्स बन सकती हैं और कितना फैब्रिक जो है वो बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर ये जो दोनों हमें दिए हुई हैं मेजर्स, एक तो टोटल क्लोथ की लेंथ जो दी हुई है वो, और एक जो शर्ट जितने में बननी है वो, उन दोनों का यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जितने में शर्ट बन रही है वो मीटर एंड सेंटीमीटर में है, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरा सेंटीमीटर में। सेकेंडली, जो टोटल लेंथ है हमारे पास क्लोथ की वो भी मीटर में है, तो हमें इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज हम कभी भी सॉल्व जो है तभी कर सकते हैं जब दोनों चीज़ें सेम यूनिट में हो। सो सेम यूनिट में करना ज़रूरी है। हम चाहे तो इसे मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर में है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसे मीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये डेसिमल में चला जाएगा, वो हमारे लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर देंगे दोनों को। सो, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ हमारे पास कितना अवेलेबल है। टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ है हमारे पास 40 मीटर, और इसी को अगर मैंने सेंटीमीटर में लिखना है तो हम क्या करेंगे, 40 × 100 इज इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर। सो ये हो गया सेंटीमीटर में। अब हमें नेक्स्ट गिवन है क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट, कितना क्लोथ चाहिए हमें एक शर्ट के लिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। सो इसे भी हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर को जब कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, प्लस 15 सेंटीमीटर जो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो सिर्फ प्लस करना पड़ेगा अब हमें यहाँ। तो ये हो गया 200 + 15, यानी कि 215 सेंटीमीटर। सो ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें मेंशन करना है नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड इन 4000 सेंटीमीटर क्लोथ। इतने क्लोथ में कितनी शर्ट्स बन सकती हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना हमारा क्लोथ है वो डिवाइडेड बाय जितने में एक शर्ट बनती है वो। अब बस हमें इसे डिवाइड कर देना है और हमें पता चल जाएगा कि कितनी शर्ट्स इसमें बन सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसे रफ में, एक रफ स्पेस ले लेंगे हम, उसमें हम इसे डिवाइड कर देंगे। सो ये है 4000 और हमें इसे डिवाइड करना है 215 से। सो सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 पर ही 215, माइनस करेंगे 5, 8, 1। सो ये हो गया 1850। अब हम देखते हैं कौन सा इसके नज़दीक आता है, 40, 32, 19। तो ये तो बड़ा हो गया, तो इसका मतलब हुआ हमें इससे छोटा कोई देखना पड़ेगा। ये ज़्यादा छोटा हो रहा है, शायद ये गलत हुआ होगा। 40, 8, 4, 12, ओहो ये 12 था यहाँ, 16, 17, 17, 20। ओके, सो ये आ रहा था 17, 20। 8 पे किया हमने 17, 20, ये माइनस किया हमने 3, 1। सो ये 130 जो है सेंटीमीटर हमारा
रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर का मतलब हुआ ये 130 सेंटीमीटर हमारा क्लोथ जो है वो एक्स्ट्रा बच जाएगा, और कितनी शर्ट्स बन जाएंगी 18। सो इसका मतलब हुआ 18 शर्ट्स जो है वो हमारी इतने क्लोथ में से बन सकती हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसने हमसे ये पूछा था कि कितना क्लोथ जो है वो रिमेन बच जाएगा। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे स्टेटमेंट, अब 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड इन 4000 सेंटीमीटर क्लोथ एंड 130 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ विल रिमेन लेफ्ट। 18 शर्ट्स हम इसमें से सिल सकते हैं और उसके बाद भी जो रिमेनिंग बच जाएगा वो 130 सेंटीमीटर बच जाएगा, जिसमें से कोई और नई शर्ट नहीं सिल सकती है। सो ये हैं इसके दोनों पार्ट्स के आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। एक बॉक्स है मेडिसिन का जिसका वेट है 4 kg 500 ग्राम, यानी कि 4 kg 500 ग्राम। हमें ये बताना है कि एक वैन के अंदर हम कितने ऐसे बॉक्सेस लोड कर सकते हैं जिस वैन के अंदर टोटल 800 किलोग्राम का वेट ही सिर्फ जा सकता है। तो अब यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ मेंशन करेंगे मैक्सिमम वेट वैन कैन लोड। मैक्सिमम वेट कितना ले सकती है वैन, 800 किलोग्राम्स। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे ग्राम्स में चेंज। सो जब हम इसे ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 8 lakhs, ये हो गया ग्राम। हमने ग्राम में क्यों चेंज किया, बिकॉज हमें यहाँ पर जो है वो किलोग्राम और ग्राम में दिया हुआ है, हमें इसे तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा किसी एक में। अगेन हम इस पूरे को किलोग्राम में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम अगर इसे किलोग्राम में करेंगे तो हमारा ये वाला जो है वो डेसिमल में हो जाएगा। सो डेसिमल में सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे भी पूरे को हम ग्राम में चेंज कर देंगे और इसको भी हमने ग्राम में चेंज कर दिया है। अब हम लिखेंगे वेट ऑफ वन बॉक्स, वन मेडिसिन बॉक्स इज इक्वल टू 4 kg 500 ग्राम्स, जिसको हम चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 4500 ग्राम्स। 4 kg का मतलब हुआ 4000 ग्राम, प्लस 500 हो गया 4500 ग्राम्स। सो अब हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन वैन। टोटल कितने बॉक्सेस जो है वैन में आ सकते हैं वो हमें कैसे पता चलेगा, कितने बॉक्स कितना टोटल वेट वैन उठा सकती है लोड 1 2 3 4 5, वो डिवाइडेड बाय एक बॉक्स का कितना वेट है। सो अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, ये तो 0 0 कट हो जाएगा, अब ये हो गया 8000 और ये है 45। सो हमें क्या करना है, सिर्फ इसको डिवाइड कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे रफ में डिवाइड कर देते हैं, हम यहीं पे डायरेक्टली या तो शॉर्ट में कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 1 36 0 0। अगेन हम अब इसे 9 से ही डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, 9 70, तो 63, फिर अगेन 7 बचेगा, 70 63, देन अब डेसिमल आ जाएगा तो हम आधे बॉक्सेस तो रख नहीं सकते या हाफ बॉक्सेस भी नहीं रख सकते, कुछ पार्ट भी नहीं रख सकते, हमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस बताने हैं। तो हम इसे पूरा डेसिमल में सॉल्व नहीं करेंगे, हमारा जो मेन आ रहा है कंप्लीट नंबर वो है 177 बॉक्सेस। सो 177 बॉक्सेस तो कंप्लीट आ ही जाएंगे, इसके अलावा कुछ जो है वो डेसिमल में आंसर आ रहा है वो डेसिमल वाला हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बॉक्स को डेसिमल में नहीं रख सकते, काट के बॉक्स को हम नहीं रखेंगे वैन में। सो इसीलिए हम सिर्फ वही आंसर मेंशन करेंगे जितने पूरे बॉक्सेस हमारे आ रहे हैं।
सो ये है इसका आंसर 177। ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है और हम इसे आगे डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें डेसिमल में नहीं चाहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। स्टूडेंट के घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर। वो डेली जो है वो दोनों आना जाना पैदल करती है। अब हमें ये बताना है कि 6 डेज में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। सो सबसे पहले हमने ये लिखना है कि डिस्टेंस बिटवीन स्कूल और हाउस है कितना, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर। सो अगेन हमें यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना चाहिए क्योंकि हमें जो है वो आंसर एक यूनिट में देना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। सो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे होगा, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर प्लस 875 मीटर, तो हो जाएगा हमारा 1875 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस जो स्कूल से हाउस का है। अब हमने सबसे पहले ये निकालना है कि आना और जाना बोथ वे का डिस्टेंस कितना बन रहा है। एवरी डे शी वॉक्स, रोज वो कितना चलती है, क्योंकि वो रोज पैदल चल के आती भी है स्कूल और फिर स्कूल से वापस घर भी जाती है। सो बोथ वे का जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना आएगा, सबसे पहले हम वो निकालेंगे। वो निकालने का तरीका क्या है, या तो हम इसे दो बारी प्लस कर दें, यानी कि 1875 प्लस 1875 कर दें, या फिर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। एक बारी वो गई और एक बारी वो वापस आई, तो जब वो गई तब भी उसने इतना डिस्टेंस कवर किया और जब वो वापस आई तब भी उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 14 + 1 = 15, 16 + 1 = 17, 2 × 1 = 2 और ये 3750 मीटर, जो वो डेली चलती है, ये है वो डिस्टेंस। अब हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, ये तो हो गया एक दिन का। अब अगर एक दिन का ये है, 6 दिन का निकालना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 6 दिन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × 0 = 0, 6 × 5 = 30, 3 = 42 + 3 = 45, 18 + 4 = 22। सो ये वो डिस्टेंस है जो वो डेली चलने के बाद 6 दिन के अंदर कवर करेगी। जब वो डेली चल रही है आना और जाना, तो वो 6 दिन में इतना डिस्टेंस कवर करेगी। ये था हमारा मीटर में आंसर। हम इसको अगर लिखना चाहते हैं किलोमीटर और मीटर में, तो हम लिखेंगे 22 किलोमीटर 500 मीटर। सो ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? एक वेसल है जो कि 4 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड है, जिसके अंदर हमें ये बताना है 25 ml के कैपेसिटी वाले ग्लासेस के अंदर हम ऐसे कितने ग्लासेस फिल कर सकते हैं, मतलब इतने हम कर्ड से 25 ml कैपेसिटी के कितने ग्लासेस को फिल कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे वेसल में कितनी कर्ड है। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारी क्वांटिटी ऑफ कर्ड है इन वेसल वो कितना है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। इसको हम चेंज कर लेंगे पूरा मिलीलीटर में। मिलीलीटर में हम क्यों चेंज करेंगे, ये भी ऑलरेडी मिलीलीटर में ही है हमारे पास, तो वो हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। और हमें हमेशा सॉल्व करने के लिए सेम यूनिट बनानी होती है, या तो हमें दोनों को लीटर में चेंज कर लेना चाहिए या फिर दोनों को मिलीलीटर में। अगर हम इसे लीटर में चेंज करते हैं तो अगेन डेसिमल वाली पॉइंट आ जाएगा, डेसिमल सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा। सो हम क्या करेंगे, इसे हम मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। सो जब मिलीलीटर में हम चेंज करेंगे
तो 4 लीटर हो जाएगा 4000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 4500 मिलीलीटर। ये कन्वर्ट हो गया मिलीलीटर में। अब हमें पता है कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, कैपेसिटी ऑफ ग्लास है 25 ml। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्लासेस इन विच कर्ड कैन बी फिल्ड। नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने हैं जिसमें कर्ड फिल हो सकती है। सो टोटल कर्ड है हमारे पास 4 लीटर 500 मिलीलीटर, जिसको हमने चेंज किया था मिलीलीटर में 4500 करके, और एक ग्लास की कैपेसिटी है 25 ml की। सो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ग्लासेस पता चल जाएगा। 5 से डिवाइड किया 900, अगेन 5 से डिवाइड किया 180। सो 180 ग्लासेस जो है वो इसका मतलब पूरे फिल हो सकते हैं इतनी कर्ड से, 4500 ml कर्ड से 180 ग्लासेस फिल हो सकते हैं कम्प्लीटली।